नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बड़ी राजनीतिक गतिविधियां। सूबे में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी। नालंदा गया और नवादा के लोगों को मिलेगा गंगा जल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा में आज परियोजना का करेंगे निरीक्षण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद खुद को किया था होम क्वारंटीन। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की बड़ी मुश्किलें। बैंक खातों और दस्तावेजों के साथ पहुंची डीआरडीओ कार्यालय। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने पटना में शुरू हुआ जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम में लंदन से भी जुड़े लोग। पटना में लोगों ने रिया चक्रवर्ती को बताया विश्व कन्या। कहा हर हाल में दिलाकर रहूंगा सुशांत को न्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा ना काम की जानकारी ना ही समझ। गया में नक्सलियों ने दो लोगों को मारी गोली। मौके पर छोड़ा पर्चा, लिखा अभी आगे अंजाम बाकी। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण चुनाव से पहले होगा शुरू। 2,926 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। विधायक के फुफेरे भाई पर यौन शोषण का आरोप। पीड़िता ने कहा न्याय नहीं मिला तो कर लूंगी आत्महत्या। पटना का है मामला। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 के पार। शुक्रवार को पीएमसीएच में दो लोगों की कोरोना से हुई मौत। शुक्रवार की रात अशांत हुआ भागलपुर शहर। पैकरों ने जमकर किया बवाल। नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क के सड़क पर उतरे सैकड़ों पैकर। पुलिस पर किया पथराव, दो पुलिस जवान जख्मी। पैकरों ने बैरिकेडिंग तोड़कर इमामबाड़ा में घुसने का किया प्रयास। देर रात जमकर किया हंगामा। पैकरों ने शांति समिति के नियमों की उड़ाई धज्जियां। इमामबाड़े का सीसीटीवी कैमरा किया क्षतिग्रस्त। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। शहर के सभी थानों की पुलिस अलर्ट। कहलगांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। कैफे संचालक ने दोस्तों के साथ किया गैंगरेप। छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर बनाया गया हवस का शिकार। पुलिस ने 3 युवक को किया गिरफ्तार। भागलपुर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। शुक्रवार को कोरोना के 121 नए मामले आए सामने। शुक्रवार को शहर में मिले 11 नए कोरोना के मरीज। खलीफाबाग समेत मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक डॉक्टर भी संक्रमित। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार। ज्यादातर मरीज ग्रामीण क्षेत्र के। भागलपुर मायागंज में कोरोना से मर रहे मरीज। अस्पताल में 5,00,000 की दवा एक्सपायर। मल्टीविटामिन सहित अन्य 38,000 की दवाइयां बर्बाद, लेकिन मरीज को बाहर से लानी होती है दवाइयां। दवाइयों के एक्सपायर पर उठे कई सवाल। अधीक्षक ने कहा जल्द ही दवाओं को कराया जाएगा डिस्पोजल। शहर में पुलिस की रहेगी सख्ती। बिना मास्क और हेलमेट के नहीं निकले घर से बाहर। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। पेज को फेसबुक पर फॉलो जरूर करें।